अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी हमेशा दुआ रहती है कि आप लोग जहाँ भी हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से रहें, आमीन। दोस्तों, आज हमारी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी आप गर्मी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सुबह 10 बजे के करीब हमारी तरफ 43 जो था दर्जा हरारत उसे क्रॉस कर चुका था सुबह 10 बजे। तो सारा दिन बस इसी तरह गुजरा, एयर कूलर वगैरह और फिर उसमें ठंडा पानी भरना और फिर उसके सामने बैठना। गर्मी की शिद्दत ख़त्म नहीं हो रही थी, फिर यही था कि दिन में 3 से 4 दफ़ा नहाना पड़ा और तब जाके कुछ बॉडी में जो नॉर्मल बंदा फील कर रहा था, अदरवाइज बेहद गर्मी थी। कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था कि कुछ भी बंदा कर सके। इवन के आज एक बहुत शानदार वीडियो की एडिटिंग करनी थी, वो भी मेरी पोस्टपोन ही रही और मैंने कहा चलें फिर नेक्स्ट कर इंशाल्लाह फिर करते हैं। तो ये वीडियो मैंने बाद से मगरब बनाई है, तो मगरब के बाद मैं घर से निकला हूँ और मैंने सोचा कि चलें मैं आपको जो गर्मी का बाइक का व्यू है थोड़ा सा बाद से मगरब का वो था। तो बस इसी तरह घर से निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करा। आज मैंने एक स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए जाना था, उस पर भी नहीं जा सका और बस यही सोच के कि इंशाल्लाह ताला मौसम थोड़ा सेट होता है तो फिर से घर से निकलूँगा सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम भी जो है ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। सब्ज़ियों की हालत बस ये देख लें, कुछ देर पहले मैंने इनको मोटर से ला कर पानी वगैरह दिया था तो इनकी जान में जान आई, वरना घंटा पहले तक ही लगा था इस तरह फील हो रहा था कि जैसे मतलब सब्ज़ी में जान गई। फिर ये फूल, सब्जियों के फूल हमेशा शाम के टाइम आधा घंटे में ये खिल जाते हैं, तो दोपहर में एक फूल भी नज़र नहीं आ रहा था और फिर ये एक घंटे में ये सारे फूल जो हैं दोबारा खिले हैं। और मुझे तो लगा था कि शायद आज की गर्मी और आज की जो लू थी उसमें शायद ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो सब्ज़ी ने दोबारा जो है अपनी असल हालत में आना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप भी गर्मी से बचें और कोरोना वायरस जो है उसके लिए भी मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, हमें एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम दोस्तों को अपने ईमान में रखे, जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर ज़रूर अमल पैरा होइए, बाकी अल्लाह ताला जो भी समझते हैं वही करते हैं, लेकिन हमें अपनी पूरी एहतियात करनी चाहिए। कल का इंशाल्लाह प्रोग्राम है, कल एक नई जगह पे जाना है, वो आपके लिए सरप्राइज होगा, उस जगह को जाकर कवर करने का और व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। दुआ करते रहा दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं मेरे जो दोस्त, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस, छोटे मोटे व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ घंटी का निशान जो होता है वो ज़रूर दबाया करें। जब तक आप घंटी का निशान नहीं दबाते फिर आपको उस चैनल की वीडियोस जो हैं वो नहीं मिल पाती। तो घंटी दबाने से नोटिफिकेशन मिलता है, जब भी यूट्यूबर्स जो हैं वीडियो अपलोड करते हैं आप दोस्तों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप उसे बर वक्त देख सकते हैं। तो गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगेबान।